जय श्री राम। वैसे तो भारत देश ऋषि मुनियों का, साधु संतों का देश है। यहाँ अध्यात्म प्रधान समाज रहा है। कृषि और ऋषि, ये हमारे भारत की निशान है। ऐसे महात्मा गांधी जी जब काम करते थे, तब उनकी इच्छा थी कि ये गांव की संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। गांव की संस्कृति ही अपने देश की संस्कृति है, और बहुत सालों का प्रयत्न सरकार कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे गोविंद काका ढोलकिया सबको साथ लेकर ये गांव पर उनकी दृष्टि पड़ी है। गांव की संस्कृति रहे, गांव में अध्यात्म रहे, गांव को डेवलपमेंट मिले, और गांव के सब लोग इकट्ठा प्यार प्रेम से रहे, इसलिए उन्होंने मंदिरों के माध्यम से मंदिर की निर्मिति करके सक्षम समाज गांव में बढ़े, इसका प्रयास काका कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गांव के सब लोगों का साथ मिले, ये उनकी ज़्यादा इच्छा है। बाकी उनके लोग जो है वो साथदार उनको है ही, लेकिन गांव के लोग इस मंदिर के जो प्रकल्प है, 300-350 से ज़्यादा मंदिर हर गांव में, यहाँ डांग जिले में गोविंद काका का सपना है, संकल्प है कि ये मंदिर बने, और इस मंदिर के माध्यम से लोग जुड़े और लोगों में यूनिटी या एकता जो है वो दिखे, इस कारण ये मंदिर हम देखते हैं। मुझे ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि गांव के लोग इस मंदिर के माध्यम से इतने एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को इतने एकता में देख रहे हैं। तो जो गांव की संस्कृति, गांव में एकता रहनी है, वो मंदिर के माध्यम से ये काका का सपना जो है वो साकार बनता हुआ देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारत देश का सच्चा दर्शन यदि आपको देखना है, तो ये डांग जिले में जो मंदिर का काम बन रहा है, इससे बढ़ रहा है, ये आदर्श गांव हमें अपने पूरे स्टेट्स में, जितने भी भारत के स्टेट्स में हैं, उसमें ले जाने की आवश्यकता है। इतना सुंदर विचार ये यहाँ डांग जिले में, अपने गुजरात में हो रहा है।